की नमाज क्या है, सलातुल दुहा क्या है, सलातुल अवाबिन क्या है, तब देखिए कि जुहा के माने दिन का चढ़ना है, इशराक के माने है तुलुए आफ्ताब, यानी कि जब आफ्ताब तुलु होता है, सनराइज होता है, तो उसको जो है आप वो टाइम, उसके बाद का टाइम इशराक है, ठीक है। और दिन के जो शुरू होता है, जब से दिन शुरू होता है, उसको आप दुहा कहते हैं, ठीक है। ये दोनों भी एक ही चीज के ऑलमोस्ट जो है एक ही चीज का नाम है, सिर्फ जो है वर्ड का जो है फर्क है। अब इसमें क्या है कि नफी नमाज जो है इसके टाइम पर नफी नमाज जो पढ़ना है उसको इशराक कहते हैं, और इसको चाश भी कहते हैं, यही नमाज को चाश कहते हैं। अब देखिए कि ये चाश जो है ना हमारा उर्दू और फारसी वर्ड है, क्योंकि चीम अरबिक में नहीं रहता, रहता चीम अरबिक में, चीम रहता नहीं रहता, तो ये चाश जो है उर्दू का वर्ड है, हम एक पहचान के तौर पे रखे हुए हैं। तो आपकी जो है सलात दुहा का मतलब, या सलात इशराक का मतलब, या चाश का मतलब, या अवाबिन का मतलब क्या है कि आप तुलुए आफ्ताब के बाद जब सन राइज हो जाता है और ऊंचा हो जाता है सन, तो उसके बाद क्या है आप नमाज पढ़ सकती हैं। और आप कब तक पढ़ सकती हैं, ये जवाल से पहले के टाइम तक आप जो है नमाज पढ़ सकते हैं, इसके दरमियान कभी भी, इसके दरमियान कभी भी आप जब जब पढ़ेंगे उसके हिसाब से अलग अलग आपको अजर मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अवाबीन की नमाज का वक्त वो है जिस वक्त ऊंट के बच्चों के पैर गर्म, यानी कि गर्म हो जाएं। अवाबीन कौन से वक्त को बोलेंगे कि जैसा आपका 11 बजे 11:30 का जो वक्त होता है, तो वो वक्त को अवाबीन बोलेंगे। जब जो है अवाब एक्चुअली किसको कहते हैं मालूम है आपको, अवाब पलट कर आने वाले को कहते हैं। अब आप किसको बोलेंगे, पलट कर आने वाले को बोलेंगे। तो यहाँ पर ये होता था कि जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती थी तो जो ऊंट के बच्चे होते थे गर्मी की वजह से अपनी माँ की तरफ पलट कर आते थे उससे भी, और फिर जो है ये पलट कर आने वालों की नमाज भी जो है आप इसको बोल सकते हैं, जो यानी कि जो पढ़ने वाला है अल्लाह ताला की तरफ तौबा कर रुजू कर पलटने वाले को भी जो है आप ऐसा बोल सकते हैं। तो इससे भी जो है अवाबीन की नमाज यानी कि वर्ड जो है बना हुआ है। मगरिब और इशा के दरमियान पढ़ी जाने वाली जो नमाज की जो रिवायत है, सलातुल अवाबीन जिसको कहा गया है, वो रिवायत जो है मुरसल यानी ज़ईफ है, जिसके अंदर बताया गया कि अगर जो 6 रकात पढ़ लें तो उनको 80 साल की इबादत का अजर मिलता है मगरिब और इशा के दरमियान, तो वो वाली जो हदीस है वो ज़ईफ है, ठीक है। वो हदीस बहुत ही अफसोस के साथ, मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ था जब मुझे मालूम हुआ था, आज से 15 साल पहले, तो बड़ा अफसोस हुआ था, बड़ा गम हुआ था, क्योंकि बहुत ज्यादा पाबंदी से पढ़ा जाता था, तो जब मालूम हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ दिए। तो बहरहाल वो क्या है, सुन्नत से साबित नहीं है। नेक्स्ट क्या है भाई ये, ओके, तो इसकी फजीलत आती है, यानी कि जो हमारी जो सलातुल अवाबीन है या सलातुल इशराक है या चाश्त है जो भी है, तो इसकी जो है फजीलत ये आती है कि अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर आदमी पर लाजिम है कि वो अपने जिस्म के बंद यानी कि जोड़ जॉइंट्स जो होते हैं उसके बदले सदका व खैरात करे। क्या है, जिस्म के जॉइंट्स के बदले सदका और खैरात करे। सुभान अल्लाह कहना सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तमाम कहना क्या है, सदका है। नेकी का हुक्म देना सदका है, बुराई से रोकना सदका है, और इन सब चीजों से जुहा की जो 2 रकातें हैं किफायत करती है। यानी कि अगर एक शख्स जो है ये तमाम चीज करने के बदल अगर वो क्या है कि 2 रकात नमाज पढ़ ले, तो ये तमाम उसके 360 जो जॉइंट्स होते हैं, उसके जो भी जोड़ होते हैं, ठीक है, 360 बोन्स होते हैं, राइट, जॉइंट्स जो भी होते हैं उसके, उसके बदल जो है उसको सदका करने का अजर मिल जाता है। ये तमाम चीजें उसके लिए किफायत हो जाती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए आदम के बेटे, ऐ आदम के बेटे, खालिस मेरे लिए 4 रकातें अव्वल दिन में पढ़। पहले की हदीस से कितने रकातें साबित हुए, 2 रकातें, अब हदीस से क्या हो रहा, 4 रकातें दिन के अव्वल में पढ़, यानी कि इशराक के वक्त जो है पढ़। मैं तुझको इस दिन की शाम तक किफायत करूंगा, यानी कि शाम तक अल्लाह ताला उसकी किफालत ले लेते हैं। किफायत का एक मफहूम ये भी है कि तेरे काम संवारूंगा, यानी कि तेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर हो गई, अब मैं तेरे लिए जो है काफी हो जाऊंगा, मैं तेरी टेक केयर करूंगा, किफायत करूंगा। तो देखिए कि 2 रकात भी पढ़ सकते हैं आप, ये हदीस से क्या है, 4 रकात भी साबित हो गया। फजर की नमाज के बाद मस्जिद में बैठना और सूरज निकलने के बाद 2 रकात पढ़ना एक और एक फजीलत है। जिसने फजर की नमाज के बाद नमाज जमात से पढ़ी, फिर सूरज निकलने तक बैठा और अल्लाह ताला का जिक्र करता रहा, सूरज निकलने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी, उसके लिए हज और उमरे के बराबर सवाब है। कितना सवाब है, हज और उमरे के बराबर। कितने जो है यहाँ पर कितनी रकात अदा करना है, 2 रकात, सिर्फ 2 रकात, पर क्या है कंडीशन, फजर जमात से पढ़कर वहीं बैठना, जिक्र अस्कार करते रहना, जानिमा से नहीं उठना, उसके बाद 2 रकात पढ़ लिए तो हज और उमरे का सवाब। अच्छा, उठ गए,
उठ गए या वहां फिर लिए कर लिए और उसके बाद जो है फिर दो रकात अगर पढ़ लिए तो सारे जिस्म से जो है सदके का अजर आपको मिल जाता है। अगर चार रकात पढ़ लिए तो अल्लाह ताला किफायत कर लेता है। तो अब यहाँ पर देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूरे हज और उमरे, पूरे हज और उमरे और पूरे हज और उमरे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तीन बार रिपीट करे, कितने बार रिपीट करे, तीन बार रिपीट करे। औरतें क्योंकि जो है जमात से नहीं पढ़ती, घर में पढ़ती है, तो घर में पढ़कर भी अगर इसका एहतमाम करेगी तो उसको भी अजर मिल जाएगा। कितने, तीन मर्तबा बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे हज और उमरा, पूरा हज और उमरा। अच्छा, जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फजर की नमाज अदा करते तो सूरज के तुलू होने तक मस्जिद में बैठते, जब सूरज तुलू होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते। तो जब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि जब तक आप जिक्र और अज़कार करते बैठते। कितनी रकातें पढ़ने का है, अभी जैसा सवाल भी आया कितनी रकातें, तो दो आ गई, चार आ गई, यहाँ पर हदीसों में मालूम हो गया। अब और एक एक भी है। मौज़ा ने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा सिद्दीका से रिवायत किया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज दुहा की कितनी रकातें पढ़ते थे। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा चार रकातें। कितनी? चार रकातें। जिस कदर अल्लाह ताला चाहता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे ज्यादा भी पढ़ते। चार रकातें पढ़ना, इससे ज्यादा भी अगर अल्लाह ताला चाहता तो पढ़ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इससे क्या समझ में आया कि चार से ज्यादा भी आप पढ़ सकते हैं। अब और एक एक आखिरी हदीस के, उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के दिन आठ रकात नमाज जुहा पढ़े। कितना पढ़े? क्योंकि फतेह मक्का का दिन था, बहुत ज्यादा शुक्र का दिन था, तो खुशी का इजहार करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आठ रकातें पढ़ी। तो अब इससे क्या मालूम होता है कि आप जो है दो पढ़ सकते, चार पढ़ सकते, आठ पढ़ सकते, या फिर अब उसके दरमियान छह भी आप पढ़ सकते हैं। तो बेहतर क्या है, दो चार या आठ रकातें आप पढ़े। वक्त क्या है, तुलू है आफ्ताब के बाद, थोड़ा सा सूरज ऊपर हो जाता, यानी कि एक दस मिनट पंद्रह मिनट आप रुक जाए सनराइज के टाइम पर, जब से आप कब जवाल से पहले तक आप जो है 10-15 मिनट पहले तक आप जो है पढ़ सकते हैं, और दो से चार और आठ रकात आप पढ़ सकते हैं। और आप जब भी पढ़ेंगे आपको अलग अलग जो है उस टाइम पर पढ़ने का अजर मिलेगा। और अवाबिन, अगर आप वही नमाज को अगर आप 11 बजे के अराउंड पढ़ रहे हैं तो आप उसको अवाबिन बोलेंगे, अगर आप अर्ली पढ़ रहे हैं तो आप उसको इशराक बोलेंगे, और ये पूरे नमाजों को आप दुहा बोलेंगे, यानी कि जो सुबह में चढ़ने के बाद पढ़ी जाती है तो आप दुहा बोलेंगे। ठीक है, ये इज इट क्लियर? ठीक है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुझे मेरे प्यारे दोस्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन चीजों की वसीयत की। कितनी चीजों की वसीयत की? तीन चीजों की। जब तक मैं जिंदा रहूंगा इसको नहीं छोड़ूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा, क्योंकि मेरे हबीब ने कहा है तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा। क्या है? हर अरबी महीने के 13, 14, 15 अय्याम में बैत के तीन रोजे रखना, चाश की दो रकाते पढ़ना। अब ये हदीस में कितनी रकाते हैं? दो रकाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, सोने से पहले वितर पढ़ना। ठीक है, तो सोने से पहले वितर पढ़ना। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काम को छोड़ देते हालांकि आपको इसका करना बहुत पसंद होता, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से डरते कि ऐसा ना हो कि लोग उस काम को करने लगे और उसको जो है फर्ज करार दे दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानबूझकर कुछ चीजों को छोड़ देते थे। अच्छा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद नमाज चाश के फर्ज होने का खौफ खत्म हो गया, यानी कि अब जो है फर्ज नहीं हो सकती, खत्म हो गया। तो फिर अब जो है सहाबा इकराम उसको जो है बहुत ही एहतमाम से पढ़ने लगे और उसको मुस्तहब अमल बना लिए। ठीक है, अब उसके बाद एक आखिरी हदीस है कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आदमी कोई गुनाह करता है फिर वुदू करता है और नमाज अदा करता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ कर देते हैं। ये जो है हदीस ऊपर की हेडिंग निकल गई सलातु तौबा की हदीस है। ठीक है, सलातु तौबा की हदीस है। क्या है कि जब कोई बंदा गुनाह करता है उसके बाद वुदू करे और वुदू करने के बाद दो रकात नमाज पढ़े तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को क्या करते हैं, माफ कर देते हैं। तो ये सलातु तौबा भी हम पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारी नफील और सुन्नत नमाजों का बयान। ठीक है, तो इसमें से जो चाहे वो हम इसके ऊपर अमल कर सकते हैं। फजर की नमाज के फौरन बाद इशराक पढ़ना है या 15 फौरन बाद कैसा पढ़ेंगे? फजर की नमाज का वक्त खत्म होने के बाद, पढ़ने के बाद नहीं बल्कि वक्त खत्म होने के बाद जो आपका टाइम रहता, जहां पर आपका टाइम खत्म हो जाता। ठीक है, ये बहुत इजीली जो है हम गूगल से निकाल सकते हैं कि कब फजर का टाइम खत्म हो रहा, फिर उसके 10-15 मिनट के बाद आप